हेलो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल नेहा जी जी टिप्स ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो मैं देखिए, आज मैं ब्लाउज का स्टिचिंग लेकर आई हूँ। मैं ब्लाउज खुद से सिलती हूँ, सो मैं सोची मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाती हूँ। ब्लू कलर का ब्लाउज है जो जिसको मैं सिल रही हूँ, और सिल के मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सिला जाता है। और अगर आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं वीडियो भी बना के लाऊंगी एक अलग से जिसमें सिर्फ स्टिचिंग का ही वीडियो होगा। तो देख सकते हैं, मेरी बेटी उधर खेल रही है और पढ़ाई भी साथ में कर रही है, और मैं इधर थोड़ा सा सिलाई कर लेती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। कभी कभार थोड़ा सा टाइम मिलता है, उसी में एक दिन में मेरा ब्लाउज कंप्लीट नहीं हो पाता है टाइम की वजह से, नहीं तो 2 घंटा काफ़ी है ब्लाउज सिलने के लिए। तो देख सकते हैं, अगर कटिंग करके रख लो तो ब्लाउज सीने में टाइम नहीं लगता है, फटाफट सिला जाता है। सो मैं दोनों तरफ का जोड़ चुकी हूँ। अब मैं इसको फाइनल नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बीच में मुझे फिर नाश्ता बनाने जाना है। सो मैं इसको सिर्फ बाजू छोड़ दूँगी, बाकी सब चीज़ फाइनल करके इसका नापी के अनुसार और रख दूँगी। और देख सकते हैं, मैं हाथ वाले मशीन से ही चलाती हूँ कि पैडल भी मैं लगवाऊंगी, जल्दी ही लगवाऊंगी। तब तक मैं हाथ से ही, और मशीन मेरा बहुत अच्छा चलता है, सिलाई बहुत इसी पे मैं सब कुछ सिल लेती हूँ। सलवार सूट हो, ब्लाउज हो, जो भी सिलना हो मैं हम इसी पे सिल लेते हैं। तो देख सकते हैं, और मेरी बेटी कुछ लिख के वही कर रही है कि मम्मा देखो, तो मैं देखूँगी। और सिलाई करने के वक्त ना एक तरफ दिमाग रहना चाहिए, और बार बार ये इधर उधर डिस्टर्ब करती, इससे मैं इसको डांटते रहती हूँ। तो देख सकते हैं, ब्लाउज लगभग हो चुका है। तो सिलाई सिलाई करके अब चलूँगी मैं नाश्ता बनाने। देखिए मेरा फाइनल, और सिर्फ इसमें बाजू लगाना है। प्लेन ब्लाउज सीने में तो टाइम ही नहीं लगता, 2 घंटा काफ़ी है सीने के लिए, पर मुझे अब नाश्ता बनाना है इसलिए मैं जा रही हूँ। ब्लाउज का कलर भी बहुत सुंदर है, और इसी तरह का साड़ी का भी है। तो ये तातिक में है, और मैं इसे ढक दी हूँ ताकि बेटी मेरी देखे ना। और मैं चलती हूँ किचन में, थोड़ा नाश्ता बनाती हूँ। देखते हैं नाश्ता में आज मैं क्या बनाती हूँ। मेरे की रूम से के सामने ही किचन है, देख सकते हैं। अब मैं देख रही हूँ कि रिकॉर्ड हो पा रहा है या कि नहीं। देख सकते हैं, मैं अभी दाल का पकौड़ी बना रही हूँ और चिवड़ा भूजूंगी। अभी तो चिवड़ा के लिए मैं डब्बा ढूंढ रही हूँ कि डब्बा किधर रखा गया है। शाम का टाइम है, सो देख सकते हैं मैं चिवड़ा, और इसमें लहसुन का पत्ता जो होता है हरा वाला, उसको तेल में डालकर मिर्चा के साथ, और भुजिए बहुत टेस्टी लगता है। और उसके बाद मैं इसमें हरा मिर्चा भी डाल रही हूँ, और इसे भूज के मैं दाल पीस के पहले ही रख चुकी हूँ दाल मिर्चा लहसुन के साथ। और मैं उसका पकौड़ी बनाऊँगी और चिवड़ा भूजूँगी। चिवड़ा मैं फटक के रखी हुई थी पहले से, ये मत बोलिए कि गंदा चिवड़ा ही डाल दीने हैं, सो नहीं, मैं फटक के पहले ही साफ़ करके रख चुकी थी। और उसको मैं भूंज के और फिर मैं पकौड़ी बनाऊँगी, और सबको नाश्ता दे के फिर देखती हूँ, अगर टाइम मिला तो सिलाई करूँगी, नहीं तो कल करूँगी, कल परसों, जब टाइम के अकॉर्डिंग अपने अनुसार जब टाइम मिल जाए तब मैं करूँगी। देख सकते हैं, मैं नमक डाल रही हूँ इसमें चिवड़ा भुजा में, और देखिए, और मैं मुझे स्मेल से पता चल जाता है कि कौन चीज़ अच्छा है खराब। मैं स्मेल करके देख रही हूँ कि कैसा गमक है इसका, इसको गलत वे में ना ले। और देख सकते हैं मेरा मेरा हो चुका है, मैं पकौड़ी भी मेरा हो चुका है। मैं आपको पकौड़ी भी दिखा रही हूँ, देख सकते हैं बहुत अच्छा लगता है। बड़ी की तरह छोटा छोटा बनाइए, और नाश्ता के साथ करने में बहुत टेस्टी लगता है चूड़ा का भुजा। और ये तो देख सकते हैं, इधर जो चूड़ा बच गया था उसको डब्बा में मैं रख रही हूँ। और अब मैं चलती हूँ मेरे रूम में। देखिए मेरे रूम का कितना सब बिखरा पड़ा है,
मेरी बेटी को सब सिर्फ इधर से उधर सामान करने में ही उसको मज़ा आता है। मैं जितना बार क्लीन करूँ उतना बार वो गंदा करती है, और उधर मशीन रखा हुआ ही है मेरा, और इधर से लाइट प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। मुझे पता है खिड़की से लाइट नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा बैठ गई हूँ, फिर मैं जा रही हूँ। अभी अभी चलते हैं छत पे, बेटी को भी थोड़ा लेके जाती हूँ कि थोड़ा सा खेल ले। और इधर मेरा ऑरेंज और एप्पल रखा हुआ है, देखिएगा मेरे छत पे कितना कपड़ा इधर उधर फैल के गिर गया है। और मैं फ्रंट कैमरा से आपको दिखा रही हूँ, और देख सकते हैं मेरे छत का कितना सुंदर सा लगता है। देखिए मेरा कपड़ा कितना गिरा हुआ है, पूरा कपड़ा, इतना तेज़ हवा था पूरा कपड़ा गिर गया है। मेरा चादर पीछे ग्रिल पे गिर गया था, तो उसको मैं उठा के लाई बाहर से, और सबको मैं चुन के झाड़ के अच्छे से लेके जाऊंगी कपड़ा को। और फिर देखते हैं हम क्या करते हैं, सब कपड़ा ले जाकर फिर उसको फोल्ड करके भी रखना है। और थोड़ा सा कपड़ा मेरी बेटी भी ले ली है और जाके वहाँ पे पटक देगी। तो मैं रूम में आ चुकी हूँ, और मुझे डरा रही है मम्मा, मैं मॉन्स्टर हूँ V2 का लेकर, पैकेट लेकर। और देख सकते हैं मेरी बेटी के लिए कुछ टॉय मेरे हस्बैंड लाए थे, उसी में का था वो V2 का। और ये मैं कल आपको बताई थी कि ये कुर्ती मैं खुद से सिली हूँ, उसी को मैं धोई थी, उसको फोल्ड करके रख रही हूँ। सब कपड़ा लाना, फोल्ड करके फिर अपने अपने जगह पे रखना भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। सो मैं रख देती हूँ। मैं ठंडा का तो बहुत सारा कपड़ा अंदर रखती हूँ, पलंग में हो, ये सब गिरा हुआ जो कपड़ा था सबको झाड़ के अच्छे से रख दे रही हूँ। और मैं गोदरेज का भी थोड़ा सा सफाई करूँगी शाम को, तो ये सब तो मस्ट है, करना ही है। सो ये भी कपड़ा फोल्ड कर गया, और मेरी बेटी उधर खेल रही है। ये मेरा फ्रॉक है, इससे तो आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हो गए होंगे, तो देख सकते हैं। और ये फटा हुआ शर्ट सब है, इसको मैं रख दूंगी कुछ पोछने उछने के लिए। और मेरा बेयर उधर से देख रहा है, टेडी भी है, और छोटा छोटी सी डॉल भी है, मेरी बेटी बहुत उससे खेलती है। और मैं सब इसको अच्छे से साफ़ करके रख दूंगी, साफ़ सफाई से सारा कपड़ा अपने जगह पे हो तो ज़्यादा सही लगता है। नया नया टी शर्ट सब है, जो मेरे हस्बैंड भूल चुके थे कि नहीं है मेरे पास टी शर्ट, और दो तीन और खरीद के लाए, इसलिए मैं उनको दिखा रही हूँ कि और भी टी शर्ट है आपके पास। तो मैं गोदरेज खोली हूँ, गोदरेज में सब संभाल के रख रही हूँ। दो तीन नया टी शर्ट जो खरीद के लाए थे, सो पहले वाला सबको मैं गोदरेज में ही डाल देती हूँ, ताकि पहन के जाने में आसानी हो, खोजना ना पड़े इधर उधर। और मेरा देख सकते हैं ड्रेसिंग टेबल मेरा पुराना ही है, मैं न्यू जल्दी ही लूँगी। और ये मेरा आयरन वहाँ रखा हुआ है, आयरन भी की थी कुछ कपड़ा, तो मैं अपने ही रूम में रखती हूँ ताकि ज़रूरी पड़े तो जल्दी से मिल जाए। तो देख सकते हैं। और ये टी शर्ट को मैं फोल्ड करके रख देती, और मेरी बेटी भी पीछे पीछे काम करती तो नहीं है, लेकिन बड़ा ज़रूर देती है मेरे काम को। तो देखिए, और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं वीडियो को छोटा ही बनाई। और गाइस, मेरे वीडियो पे व्यू नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला है। जितने भी यूट्यूबर हैं या जो भी प्लेटफॉर्म पे इस प्लेटफॉर्म पे हैं, आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो जितना प्यार हर यूट्यूबर को देते हैं, प्लीज़ मुझे भी दें और मुझे भी सपोर्ट करें। मैं इसी उम्मीद के साथ आज का ये वीडियो एंड कर रहे हो। प्लीज़ अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू।